दोस्तों स्वागत है हमारी चैनल अरवली के पन्ने में। दोस्तों हम आए संगीनी का मालपुर रोड, जहाँ एक घर में जो एक दरवाजा है उसके अंदर गो, जिसको हमारी लोकल भाषा में गोहरी बोलते हैं, तो गो जो हिंदी में इसको विष खोपड़ा बोलते हैं, तो ऐसा एक जीव आके घुसा हुआ है और सब लोग परेशान हैं, तो हम इसको पकड़ने के लिए आए। तो बने रहे अंदर, जो घर दरवाजा खुला होना चाहिए नीचे, अंदर इसको ऊपर से हाँ नीचे से अंदर, हाँ चलो चलो दोस्तों जिसको विष खोपड़ा बोला जाता है, और हमारे यहाँ गुजरात में और भारत में इसको, ये जीव को बहुत जहरीला माना जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का पॉइजन नहीं आता। अगर किसी को काट ले तो कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन शायद लोगों के जहन में ये जीव के बारे में अंधश्रद्धा बहुत घुसी हुई है। हाँ, ये काटता जरूर है, वो जोर का काटता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का पॉइजन नहीं आता। और दोस्तों ये जब छोटा होता है तो चंदन गो, और यही जब बड़ा होता है तो पाटला गो बोला जाता है। किसी भी प्रकार का पॉइजन नहीं है। इसके जो पाँव के जो नाखून हैं वो अगर चिपक जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमको लगता है, थोड़ा बहुत खून भी निकलता है, लेकिन इस जीव बहुत ही आम है। जैसा कि हमारे मुंह में जो दांत है, हम किसी को काट ले कुछ होता नहीं, इस तरह इस जीव में भी छोटे छोटे दांत होते हैं, तो इसमें कुछ होता नहीं है। आपको हम ये इसके दांत भी दिखा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विष दंत है ही नहीं, ताकि किसी को इसे जीव से डरने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। और दोस्तों ये जीव के बारे में अंधश्रद्धा है, तो हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों में जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, वो दूर कर पाए। और ये जो जीव जो अंधश्रद्धा का माहौल पैदा करते हैं, तो हमारे शिक्षण नीति में भी ये सांपों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, तो शिक्षण नीति में भी ये सांपों के बारे में थोड़ी पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत में सांपों के बारे में, ऐसे जीव जंतुओं के बारे में कभी किसी ने नॉलेज नहीं दिया, इसके कारण ऐसे जीव अंधविश्वास का शिकार बनते हैं। तो अभी हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद। चौबीस वर्ष थे लोग आ जीवो ने खाली खाली मानना गया, कारण के आना बिलकुल झेर नहीं आ ચંદન ગો કહેવાય, મોટું થાય એટલે આને જ પાટલા ગો કહેવાય। હા, અને પેલી વીજળી પર ભડાકા થાય એવું કશું હતું નથી, ખાલી આમાં જ માણસ ભાઈ ભાઈએ બરાબર કીધું, માણસ એ કશું ઝેરી નહીં, કઈડે ખરું, કારણ કે ભગવાન એ મોઢું આલ્યું છે એટલે કઈડવાના તો બધા જ, આપણે ડાચું કોઈને પણ લઈએ, એવું કશું જ નથી, કોઈ તકલીફ થાય આમાં કઈ ગભરાવાનું બીવાનું આવતું જ નથી, કારણ કે આ જીવ એવું કોઈ બોલીને આવી જોઈ રહ્યા બધા। બીવડાવવા માટે થોડું બધું કરે, હા એટલે જ તો। દોસ્તો કલ રાત સંજયની વિલાસે અમને એક લીધા,
हमारी गुजराती लोकल लैंग्वेज में बोली को बोला जाता है वो। और दोस्तों ऐसे जीव को बहुत जहरीला माना जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं आता, एक नॉर्मल जीव है। तो इसको भी हमें फॉरेस्ट में रिलीज कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है जगदीश भाई, उन्होंने भी एक मोड़ा सा ऐसे एक वो जिसको लीजर्ड, तो उन्होंने भी एक लीजर्ड को कैच किया था। तो हम प्रकृति में उसको छोड़ने के लिए आए हैं। तो जगदीश भाई के हाथ में वो उन्होंने मोड़ासा से कैच किया था, और इसको भी मोड़ासा संजीवनी विला जो मालपुर रोड है वहाँ से हमने रेस्क्यू किया था। तो ये दोनों लिजर्ड को हम जंगल में जाने देते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों को रिलीज कर दिया। तो अभी दोस्तों ऐसे जो जीव है पर्यावरण के जो जीव जिसको लोग अलग अलग मान्यता है, जो अलग अलग उनके जहन में जो सोच है वो हिसाब से इनको मिलती है, लेकिन ऐसे जो जीव है जो गो जिसको लीजर जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में गोहरी बोलते हैं, वो बिना जहर वाला जीव है। वो जो छोटा है, छोटा होता है तो उसको चंदन को बोला जाता है, और वे बड़ा होता है तो पाटला को बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसे गो गोहरी लिजर्ड से हमें डरना नहीं है। हमारे घर के आगे पीछे छोटे मोटे जीव जंतु को खाने के लिए वो पहुँचता है। तो दोस्तों अगर काट भी लेता है तो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को बाइट दे देता है तो टिटनेस का इंजेक्शन जो होता है वो ले लो, तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जो सांपों के बारे में, ऐसे जीव जंतुओं के बारे में जो हमें आपको नॉलेज दे रहे हैं, जो नॉलेज जो किसी ने आज तक हमारे गांव में दिया नहीं, इसलिए ये सांपों के बारे में और ऐसे जीव जंतुओं के बारे में नॉलेज ना होने के कारण गलत गलत सोच हमारे जहन में घूम रही है। तो हमारा काम है ऐसे जीवों के बारे में सही जानकारी पहुँचाना। तो आपको हमारी चैनल और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।